क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2012 में आया हुआ है बोर्ड में 3 मार्क्स का, ध्यान रखना 2012 3 मार्क्स का। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, हमें क्या दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर 1 cos a / 1 cos a = cosec a - cot a। अब देखो क्वेश्चन को करेंगे कैसे, कोसेक ए कब आता है देखो ध्यान से, कोसेक ए तभी आता है कोसेक थीटा क्या होता है 1 sin थीटा, ठीक है, और कोट थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है हमारे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें कैसे सोल्व करना है। देखो नीचे क्या लाना है साइन थीटा, मतलब यहां साइन थीटा आएगा तभी तो भाई ये कोसेक और कोट होगा, ये बेसिक अप्रोच है। मतलब साइन थीटा लाने के लिए इसको कोस को हटाना पड़ेगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आपने क्लास 9th में रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहां पे समझ लेना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 cos a / √1 cos a, ठीक है। अब देखो क्लास 9th में हमने रेशनलाइजेशन पढ़ा था, रेशनलाइजेशन कब करते हैं यहां पे लिख लेना तभी आपको याद रहेगा, वरना यहां तक याद नहीं रहेगा। रेशनलाइज हम तब करते हैं जब कोई चीज अंडर रूट के अंदर आ जाए और उसका अंडर रूट हटाना होता है, मतलब डिनोमिनेटर का अंडर रूट हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। याद रखना ये नोट्स बना के लिख लेना कहीं, तभी याद रहेगा वरना नहीं होगा। एक और क्वेश्चन इसके जैसा करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब ये रेशनलाइजेशन करते थे तो क्या करते थे कि नीचे जो साइन है उसका साइन बदल के उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा 1 cos थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 cos थीटा कोस ए, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो अगर ध्यान से देखो ये इसको ए माना और इसको बी माना, सेम वही चीज यहां पे भी ए और यहां पे भी बी, तो मतलब ए समझ में आया a - b मिलके क्या हो जाएंगे, देखो भाई सिंपल सा a - b (a - b), तो भाई हमें पता है कि जब दोनों सेम हो तो क्या हो जाता है a - b का होल स्क्वायर, मतलब अगर बेस सेम हो तो पावर एड हो जाती है। यहां तक समझ में आया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ऊपर वाले को, ये लिख सकता हूं 1 cos a का होल स्क्वायर और बाहर में क्या है अंडर रूट। अब देखो ये क्या बन गया a + b (a - b) दिख गया, अगर इसको ए मानू इसको बी मानू, वैसे भी ऊपर ही कर रखा है तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखना 1 cos² a। यहां तक कोई दिक्कत, अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया कुछ फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा सर। अब ये इसको आइडेंटिटी से मैं चेंज कर सकता हूं, कैसे चेंज कर सकता हूं, हमें पता है sin²θ + cos²θ = 1, तो यहां से मैं sin²θ को क्या लिख सकता हूं 1 cos²θ, बस सिंपल सा है, यहां पे पुट कर दो। अब देखो ये अंडर रूट है और अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो मतलब 1 cos a की पावर 2 की पावर 1/2, यहां तक समझ में आया। और नीचे क्या लिख सकता हूं यही चीज sin²θ और इस अंडर रूट की जगह मैं ये लिख सकता हूं 1/2, यहां तक कोई दिक्कत। अब हमें पता है कि पावर की पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई भी लगती है, एक्चुअली यहां नहीं है ये यहां पर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया, यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। अब देखो ध्यान से अब क्या कर देंगे इसको, इसको कैसे करेंगे, अब हमारे पास क्या बचा 1 cos a / sin a। अब देखो यहां देखो अगर मैंने ये लिखा 5 + 9 / 5 ना लो इसको यार, इसको ऐसे ले लो 10 + 6 / 2, तो क्या आंसर आएगा इसका 16 / 2 मतलब 8। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 10/2 + 6/2 तो भी देखो आंसर 8 आएगा, कैसे, ये इससे कटा 5 टाइम में, इससे ये कटा 3 टाइम में, तो 5 + 3 मतलब 8 दोनों से। इसका मतलब समझ में आया कि अगर ये नीचे हो तो इसको दोनों के नीचे रख सकते हैं, तो इसको मैं ये लिखता हूं 1 sin a - cos a / sin a, कोई दिक्कत यहां तक, नहीं समझ में आया तो इस एग्जांपल से समझो, समझ में आ गया। अब देखो अभी मुझे पता था, मैंने अभी बताया था 1 sin a क्या होता है cosec a माइनस ये क्या होता है cot a, यही हमें प्रूफ करना था, समझ में आया। बहुत प्यारा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करो, सिमिलर वे में एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं कैसे होगा वो, नोट डाउन करो इसको तब तक अच्छे से।